हमारे पास अभी सबसे जवान है ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए, ट्रैफिक को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जवान में कोई कमी नहीं है। राजधानी रांची में इन दिनों सड़कों पर गाड़ियां रिंगने को मजबूर है। आलम यह है कि 10 मिनट का सफर करने के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। दरअसल रांची में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ 690 होमगार्ड के जवानों को भी उतारा गया है ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो, लेकिन मामला इससे उल्टा हो गया है। जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। त्योहारों का मौसम भी आ गया है, बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में फेल नजर आ रही है। स्कूली बच्चों को जाम में फंसे रहने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आम लोग भी जाम से हलकान हैं। शहर की वीआईपी सड़क हरमूर रोड, जहां से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारी का आना जाना होता है, उस सड़क में भी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। हमारे पास अभी सबसे जवान है ट्रैफिक नियंत्रण करने के लिए, ट्रैफिक को सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जवान में कोई कमी नहीं है। और अभी खास करके मेन रोड में थोड़ी सी जाम, मतलब गाड़ियां चलती है, थोड़ी सी जाम नहीं कहेंगे, गाड़ियों का मूवमेंट जो है स्लो है। इसमें मुख्यतः दो तीन रीजन है कि बहुत सारे इंक्रोचमेंट, थोड़ा सा अभी मेला को दुर्गा पूजा के मद्देनज़र हुआ है, पंडाल के जो एंट्रेंस गेट्स होते हैं या फिर तुरंत द्वार बोलिए, जो भी पंडाल का जो बांस का जो गेट होता है, वो बहुत जगह पे सड़क पर भी बनाए गए हैं, ठीक है ना, तो उससे भी थोड़ी सी रोड जो है संकीर्ण हुआ है। और मेला के दौरान जो है मार्केटिंग करने भी लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, तो गाड़ियों की संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन जाम कहीं नहीं है, लेकिन गाड़ियाँ थोड़ी सी मेन रोड में थोड़ी सी स्लो चलती है। इसका भी हम लोग अभी मतलब इसका भी कोशिश करते हैं कि किस तरह की लोगों को परेशानी न हो। दुखार आपका हो जाएगा, साथ ही मिल जाएगा, अभी ट्रैफिक को दिखाएंगे।